करना हो जो हमारी पर्सनैलिटी से बाहर हो, तो जैसे अगर कोई दिल्ली का बंदा है उसे अगर यूपी का कोई बासेपुर जैसा कैरेक्टर करना हो, तो उसके लिए आपको एक दो सॉलिड सी टिप्स दे सके तो? यार मुझे लगता है मैं बहुत छोटा हूँ एक्टिंग के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ मेरा काम एक्टिंग को देखना, एक्टिंग को बनाना नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ एक्टिंग, मैं सिर्फ फैसिलिटेट कर सकता हूँ कि सही डायरेक्शन क्या है। मुझे लगता है कि आपको लगातार थिएटर करते रहना चाहिए, जिससे आपका क्राफ्ट इम्प्रूव होगा। जबकि ये दिल्ली वाला, उसके लिए आपको लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है। जो यूपी का, जो कलकत्ता के लड़के ने बात करी, उसकी टोन में बंगाली टच था। जो बंगाल का लड़का होगा फिर टच आता, जो यूपी का होगा वो बात करके तो टच होगा, तो वो टच को पकड़ना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन बोलने का तरीका क्या होता है, वो जो हल्का सा टच होता है ना, मैं बात करता हूँ या करण कुंद्रा बात करते हैं, तो पंजाबी टच आता है, वो कोई सिखा नहीं सकता, वो प्रैक्टिस करने से आता है। सुनना पड़ता है कि वो सुर क्या है, और सुर को पकड़ना पड़ता है। मेरा नाम रजत कुशवाहा है, मैं पिछले 5 साल से थिएटर कर रहा हूँ। सर आप मुझे इतना बता दो, प्रोफाइल भेजने का सही तरीका क्या है? मैं बता दूँ, मैंने बम्बई में ये इंट्रोडक्शन लेना शुरू क्यों किया था, अभी सारी दुनिया उसको फॉलो करी, मैं आपको सच बताता हूँ। क्योंकि जब भी मैं पहले पिक्चर देखता था तो डर जाता था, जब रियलिटी में मिलता था तो भी और लगता था, फोटो किसी और की लगती थी। तो मैंने इसलिए बोला कि इंट्रोडक्शन लेना शुरू करो। इंट्रोडक्शन में आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आप कौन सी भाषाएँ जानते हो, आपकी बेसिक एजुकेशन क्या है इस फील्ड को लेकर, इतना ही बोलना है। उसमें ज़्यादा एक्टिंग नहीं करनी, ज़्यादा मेकअप नहीं लगाना, ज़्यादा अपने आप को सजाना देना नहीं, आप जैसे हो वैसे ही रहना, ताकि मैं सोचूं कि बंदा ऐसा दिखता है, जैसे आधार कार्ड में फ़ोटो होती है ना, वो सच होता है, बाकी सारी फोटो झूठी होती है। इंस्टाग्राम पे फिल्टर में मत जाना, वो झूठा वर्ल्ड है, 2-3 साल में ख़त्म हो जाएगा, फंसना मत। हेलो हेलो, हाँ मुकेश भैया नमस्ते जी, मेरा एक सवाल है भैया आपसे। बाय गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि घर वाले सर मुझे मतलब कि डिमोटिवेट इस तरह करते हैं कि एक्टिंग छोड़ दो, ये सब मत करो बेटा, मैं क्लासेस मत जाओ। मैं समझ गया तेरी बात, क्योंकि मुझे पता है घर वाले ना, मैं बताऊँ, माँ बाप ना हर बच्चे के लिए चिंतित होते हैं, क्योंकि आप अपने घर में जाके ना रोज ऐसे बात करोगे, कभी मेरा कुछ काम नहीं बन रहा, उदास साउंड करो, घर वाले तो बोलेंगे बेटा घर वापस आए। आप जितना एक्साइटमेंट से खुशी से माँ बाप से बात करोगे ना, तो लगेगा बच्चा खुश है, आपकी एनर्जी को देखते हुए ऐसा जवाब देता है। अगर आप उनको बोलोगे कि मेरा कुछ काम नहीं बनता बेटा, क्या मम्मी यार डोनेशन मिल जाता है, कुछ काम नहीं बना, तो उनको लगेगा मन में, वो तो चाहते हैं कि तू खुश रहे, इसलिए तुझे वापस बुला रहा हूँ। अगर तू जो उनको एनर्जी से बोलेगा ना, तो मैं अपने, मैं जब बॉम्बे आ रहा था तो मैंने पापा को बोला बेटा बॉम्बे जा रहा, मैंने कहा हारूंगा नहीं जाके। अगर आप जितनी उदासी थे, टेंशन वगैरह से बात करोगे ना, घर पर बुलाएंगे, तो माँ बाप है, उनका चिंता करना बहुत आदमी है यार, इट्स ओके। लेकिन अगर तू अपनी एनर्जी, तुमको कॉन्फिडेंस देगा, तो मुझे और सपोर्ट करेगा। हेलो सर जी, हेलो सर जी, हेलो सर, हेलो, हाँ हाँ, आई एम संदीप, यूपी से हूँ सर, यहाँ पे काफ़ी टाइम मैं स्पेंड कर चुका हूँ। प्रॉब्लम क्या थी सर, और लगभग मुझे लगता है कि जो लोग हैं हमारी तरफ भी आए हैं, बहुत जल्दी आए हैं हम लोग, अरे देखो शाहनवाज, सबू 20-22 साल बाद, अंबर सलीम, अनिल, ये मेरा बैच है दोस्तों, जोरदार ताली, मतलब इनमें से 5 लोगों को 20 साल बाद मिला हुआ है। तो पंखा घूम रहा है, वैसे भी कोई देख ही नहीं पाएगा, रिकॉर्ड कर। मैं हैरी तो साथ में रहता है, इन सबको मैं 20-22 साल बाद मिला, मुझे बड़ी खुशी हो। घटिया एक्टर था, मिसाल में आ गया बेटा पतले, यहाँ से कुछ और बन जा, काशी मेकर बन जा, ये निकल ले यहाँ से, तेरे बस की नहीं है, क्योंकि ये सब तोड़ लोग थे वहाँ पर। तो मुझे लगा कि सबसे आपको मिला देता हूँ, फिर मैं साथ में मिला हूँ, आ जाऊँ। लक्ष्मी
बहुत साल बाद आज यहाँ पर आई हूँ और सच में आप वो वाला मुक्की याद आ रहा है और उसके इतने चाहने वाले हैं, क्या बोलूँ, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा मुकेश इतना बड़ा ये बहुत शरारती था, बहुत ज्यादा शरारती था और अभी हम लोग बाहर यही याद कर रहे थे क्योंकि अभी मैं 6 महीनों से मुंबई में रहा हूँ, होटल में रुका हूँ। देखो मैं हर जगह के वॉलेंटियर में जाता हूँ बहुत टाइम, आपके वहाँ से मैंने यूनिफॉर्म नहीं आया मुझे वॉलेंटियर नहीं दिया, पर मुझे ऐसा बात बोल नहीं पाऊंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मेरे बारे में सोचते हैं जैसे तुम्हारे को जैसे आप हैं उसी की वजह से आपको काफी होगा, अभी आपकी स्ट्रेंथ है वीकनेस नहीं। थैंक यू जी। इधर से कोई, हाँ हाँ जी बेटा बोलो, पीछे से भी लेना, हाँ माइक दे दो बेटा, एक माइक पीछे ले जाओ। हेलो हेलो जी, हाँ बोलो सर। हाँ बोलिए। मेरा नाम विनोद रस्तोगी है, ये मैं स्ट्रगल हूँ तो मैं बेटा पहले तो ये स्ट्रगल वर्ड बोलना बंद कर दे, स्ट्रगल नहीं प्रोसेस प्रोसेस, हम सब प्रोसेस के अंदर है। देखो हमारी प्रॉब्लम बता क्या है, जब तक हम पॉपुलर नहीं होते हम लोग एक्टर नहीं बनते, एक्टर तो हम अभी से हैं, हम सिर्फ पॉपुलर होने का इंतजार कर रहे हैं, एक्टर सब है तो स्ट्रगल बोलना बंद कर दो। सबसे खतरनाक बात है डिप्रेशन सैड स्ट्रगलर, ये 3 वर्ड बोलना बंद कर दो। मेरा क्वेश्चन था सर, मुंबई में इतने सारे शोज होते हैं और इतने सारे एक्टर्स होते हैं जो काफी जगह ऑडिशन देते रहते हैं और इंट्रोडक्शन देते रहते हैं, और इतने सारे शोज होने के बाद बहुत लोगों को काम नहीं मिलता है, जब छोटे से कोई शुरुआत करना चाहता है छोटा रोल भी उसको नहीं मिलता है, और बहुत सारे लोग ऐसा काम करते मतलब स्ट्रगल करते ही रहते, सॉरी प्रोसेस करते ही रहते हैं, बस इसके बारे में जानना था सर। हमारी पता है हम क्या करते हैं, हमारे एक रिएक्शन में अपने को वीक करते रहते हैं, हमें आज काम कॉल करता हूं मैं आपको फिक्स कर दूंगा, 6 महीने हो गए, तो भूतों के साथ एनालाइज मत कर अपनी बात कर, हम क्या करते हैं हम सवाल पूछते हुए ना दूसरों का सहारा लेते हैं, दूसरों का सहारा ले रहे हैं तो अपनी बात गलत, मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए किसी जैसे काम नहीं मिला, जब तो अपने आप के शो हो जाएगा ना तो कुछ सवाल भी नहीं लेगा, तो लोगों का सहारा मत ले, लोगों के कंधे में मत चला, तो खुद बोल के तुमने बहुत सारे इंट्रोडक्शन दिए, बहुत सारे ऑडिशन दिए, अब तक काम नहीं मिला, जब फिर तो सोच पे चेंज नहीं करेंगे ना मेरा, तब तक काम नहीं मिला, तो लग रहा है जानते जानते मिल गया होगा मुझे नहीं मिला, इसको नहीं मिला, और मेहनत करते थोड़ा थिएटर करते, दूसरों को ब्लेम मत कर, अपने आप को पहले ठीक कर। जरूर सर, थैंक यू वेरी मच जी। पीछे भी देना एक माइक पीछे बजा दो बेटा, हाँ पीछे है ना, बोले पीछे माइक का बेटा चाचा माइक का लगा। हेलो सर, मैं ना बेटा ये शुरू कर दिया बहन ने, देखो क्या सर, मेरा सवाल ये था कि जब कास्टिंग करते हैं तो लुक जो कि होते हैं कि इस लुक का बंदा हो तो उसे वैसे इस तरीके से कास्ट किया जाता है, बेटा मैं आपको बताता हूँ, ये बार बार लोग बम्बई में लुक्स 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 यूज करते हैं ना, बेसिकली वो लुक्स नहीं होता है कैरेक्टर होता है जो हमको ब्रीफ दिया जाता है, एक कैरेक्टर का ब्रीफ होता है उसमें कैरेक्टर होता है कि हमें इस तरह का दिखने का बंदा चाहिए, हम पहले उस ब्रीफ को फॉलो करते हैं, तो वो लुक नहीं होता वो कैरेक्टर होता है, हम इसलिए बोलते हैं ना एक्टर अच्छे बोले नहीं होता काफी अच्छी बुरी होती है, तो अगर लुक मैच होता है तो आप हमको ट्रेन कर लेंगे, हम देखेंगे कि वो चालाक लगती है सिंपल चाहिए या बदमाश लगती है, तो पहले उसकी पर्सनैलिटी को देखेंगे, उसके साथ हम लोगों को चुनिए फिर हम लोग को ऑडिशन पे बुलाएंगे, तो आपकी लुक नहीं होती वो कैरेक्टर होता है, कि हमारी इंडस्ट्री में लोगों ने कहा था ऐसा दिखना चाहिए वैसा दिखना चाहिए, हमारा दिमाग जो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम ने खराब कर दिया है ना, ये उसकी वजह से हमारा दिमाग चलता है, सिर्फ आपको एक्टिंग पे ध्यान देना होता है, आपकी जो स्ट्रेंथ है आपकी खुद की भगवान ने आपकी जैसा बनाया वो आपकी स्ट्रेंथ है। बट सर कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं, कौन एक्टर उसको
भोसले में भी डाल सकते हैं, अलीगढ़ में भी डाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना टैलेंट प्रूफ कर दिया। जब आप अपनी टैलेंट प्रूफ कर दोगे तो डायरेक्टर आपको कुछ भी बना सकते हैं। देखो जब शुरू शुरू में लोग बोलते थे ना कि यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आंखों में कुछ बात नहीं है, जब वो पॉपुलर हो गया प्रूफ हो गया तो बोलते हैं क्या आंखें हैं। तो ये शहर ना पल पल में अपनी स्टेटमेंट बदलता रहेगा, आपको टैलेंट का डायरेक्ट बनाना चाहिए। हेलो सर गुड इवनिंग, इधर भी एक ही माइक है क्या? हाँ बेटा एक सेकंड यार, ये तुम लोग यहाँ पे चुप नहीं रह सकते हो क्या? चुप नहीं रह सकते हो क्या? थैंक यू आपने ऑर्गेनाइज किया दी से सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं एक क्वेश्चन है कि एक्टरी जो एक्टर है उसका डेली रूटीन क्या होता है? डेली रूटीन? यस सर, यस सबका ना अपना अपना प्रोसेस होता है। वो लोग एक्टिंग थ्योरी की बात करेंगे तो उसके काफ़ी पढ़ेंगे, आपका अपना अपना प्रोसेस होता है। बस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने आप को क्रिएटिवली कैसे बिजी रखना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपके पास जब तक काम की तलाश में आप घूम रहे हैं तो आपको नाटक करते रहना चाहिए, किताबें पढ़ते रहना चाहिए और अपने आपको जितना भी हो सके क्रिएटिव चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। जितना दिमाग आपका खाली होगा उतना ही शहर में आपको और उदासी करेगा। जितना हो सके जैसे करते आप दोस्तों को बुलाओ, कमरे के अंदर बुलाओ, टेबल हटाओ, नाटक करना शुरू कर दो, उससे बेटर एक्सरसाइज कुछ नहीं। मैं तो मेरा वेट ही करते रहोगे कल को फोन आएगा घर बैठे के पंखे को देखते रहोगे पंखे होंगे सबसे इंपॉर्टेंट है थिएटर करते रहोगे। देखो ये मैं कैसे बताऊँ, मैं तो ये बताऊँ कि अपनी फील्ड का नहीं, अगर इस शहर में रहने के लिए अगर मुझे किसी तरह का भी काम करना पड़ता है अपना किराया देने के लिए, क्योंकि तो शहर बहुत महंगा है इसमें शहर में रहना बहुत मुश्किल है। मैंने भी शहर में भी सबके ख्याल भी दिखाया है, तो अगर आपको कुछ भी काम करना पड़े शर्माना नहीं, अपने को सर्वाइव करना बहुत जरूरी है, खुश रहना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि मैकडॉनल्ड में काम कर रहा है, कॉल सेंटर में काम कर रहा है, जो भी काम मिले तुम्हें अपने गोल को पूरा करने के लिए सोसाइटी की टेंशन मत करो, सोसाइटी की वो डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, अपने क्राफ्ट को छोड़ के बाकी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, अपनी एक्टिंग को भूल के सोशल मीडिया के पीछे पड़ जाते हैं, अपनी स्किन के पीछे पड़ जाते हैं, बालों के पीछे पड़ जाते हैं, नेगेटिव से पड़ जाते हैं, सोशल लाइफ में रह करते हैं, पार्टी वगैरह शुरू कर देते हैं, मेन फोकस भूल जाते हैं, जो उनका मेन काम है एक्टिंग वो नहीं करते। सबसे बड़ी गलती वो डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, अपनी ऑनेस्टी को भूल जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग सर। हाँ तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई भी एक्टर को अपने क्राफ्ट को पॉलिश करना रहेगा तो उसको थिएटर या फिर पहला प्रेफरेंस ड्रामा स्कूल को देना चाहिए। बेटा ड्रामा स्कूल मैं बात बताऊँ, हम ड्रामा स्कूल क्यों गए थे, जैसे किए गया मनोज भाई खेलते थे, नवाजे मुंशी थे, मेहनत थे, राम श्री राम थे, मेरा एक ही पर्पज होता है कि आपको ना वो एक माहौल देते हैं जहाँ पे आप लगातार दो तीन साल तक कुदरत के रास्ता एक माहौल देते हैं, तो हम वो माहौल में रहने के लिए वहाँ जाते हैं। जैसे हम गुरुद्वारे जाते हैं तो आपको माहौल देखते हैं, आपको वहाँ के बच्चों के वहाँ रहते हैं, तो जितने भी स्कूल्स हैं वो आपको सिर्फ माहौल देते हैं, काम करना है या नहीं करना है आपके ऊपर है। नहीं तो बहुत है लोग इंस्टीट्यूट भी जाए, इतने साल थिएटर भी किया लेकिन वहाँ भी कुछ भी देखा, आज बच्चे ही खा रहे, तो माहौल जाना चाहिए। माहौल में क्या सीखते हो वो आप घर पर रह के भी सीख सकते हो, दस लोगों के साथ भी सीख सकते हो, हम सब लोग को एटमॉस्फेयर के लिए जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई फॉर दिस इवेंट। एंड मेरा क्वेश्चन मेरे नाम मुकेश सर और मेरा नाम अभिषेक है कि यू नो फिल्म में पहले भी बनती थी और काफ़ी अच्छे एक्टर थे, ओरिजिनलिटी थी, सक्सेस थी, बट इन कमिंग टाइम जितना लाइमलाइट मिल गया स्क्रीन को और सोशल मीडिया एंड ऑल दोस थिंग्स, वी सी दैट यू नो लोग 10th पास करके 12th पास करके दे आर कमिंग टू द सिटी एंड कुकिंग स्टफ्स। आपको क्या लगता है एजुकेशन का क्या वैल्यू है? आपने बोला जैसे उस दिन मेरे ख्याल से आपने थिएटर किया है तो यू कैन स्टैंड एंड या मैं जब एजुकेशन की बात करता हूँ ना, आपको मेरे लिए एजुकेशन होता है कि आप अपनी लाइन को लेकर कितना एजुकेट, एग्जैक्टली आप अपने क्राफ्ट को लेकर कितना एजुकेट करते हैं अपने आप को। देखो सेल्फ कितना अपने आप में इम्प्रूव करते बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के साथ आपका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप को कैसे एजुकेट करते हैं अपने क्राफ्ट के बारे में और स्किल के बारे में और कैसे अपने आप को सोसाइटी प्रेजेंट करते हो, कितना ऑनेस्टी करते हैं, मैं इन चार चीज़ों को बिलीव करता हूँ, बाकी सब चीज़ों के बारे में मुझे कोई ध्यान नहीं करता। तो मुझे लगता है कि आपको जो मैं सिर्फ बिलीव करता हूँ जो जो आपका क्राफ्ट है और किस पर जी सर, अब क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे चुनना पड़ेगा, मतलब
18 लोगों में से आपको एक आदमी चुनना पड़ेगा जो आपको एडवाइस दे सके। तो यहाँ पे हर आदमी ग्यारहवीं दे रहा है सर। वो बोल सकती है भैया, पहले कास्ट हो जाए तो टाइप कास्ट होगा। सर नहीं सर, काम है भैया, पहले कास्ट हो जाए फिर टाइप, पहले भगवान करे कि तू टाइप कास्ट ही हो जाए, कम से कम तेरा घर तो चलेगा। मतलब हमें, मेरा बस यही चीज है, हमें जो काम करना है जो काम करना है, जो काम मिला कर लेगा, जो की टेंशन मत ले। अगर आपको टाइप का भैया टाइप का सोचे लोगों ने, इसके कारण साहब ने अपना पूरा घर चला दिया, अपनी सलाह बन बन के उससे बड़ा नहीं पड़ता। काम तो मिल गया, दुआ कर तुझे काम मिल रहा, हाथ जोड़ सुबह काम पे जा रहा है, उसकी बड़ी खुशी की बात करना। पहले कास्ट हो जाए बाद में टाइप कास्ट करें। जी सर, सही बोल रहा हूँ। मुंबई में बता दो, मुंबई ना वैश्विक दे रही है, माता को बुलावा आ रहा है। अगर आपको मुंबई का बुलावा आ गया ना, तो उसी दिन आपके मंदिर को समझ में आके, तो मुंबई ने आपने एक्सेप्ट तो कर लिया है। अगर आप किसी के पहली बार स्टेज पे आपके सामने मिलूंगा, जब मैं हैरी को जोड़ के, हैरी तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है मेरे साथ, हम साथ में पार्टनर है, साथ में काम करते हैं। और महेश शेट्टी करके मेरा दोस्त होगा, वो यहीं के घूम रहा था, महेश बता चुका, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे घूम रहे होंगे जिन्होंने मजा आ रहा है भाई तुम्हें देख के। मुझे देख के I know myself. अभी मुकेश ने बोला था कि मैं घटिया एक्टर था, घटिया एक्टर नहीं था, ओके था, पर डांसर बहुत अच्छा था और सिंगर भी बहुत अच्छा था। तो मैं एक बार वो गाना सुना दो, गोरे गोरे मुखड़े पे सोने का बाला। अरे अभी तक यार मुझे खुद ही भूल गया था। अंबर अंबर बहुत ही कमाल का राइटर है, बॉम्बे में राइटिंग भी करता है, और ये इसका नाम भी अंबर था। नहीं वो सोचे तो सब तुम्हारे देखने के लिए नहीं। ये वो रिश्ते होते हैं जो बै से तू तड़ाक से यार कैसा, वो ये रिश्ते ही जो हैं जिंदगी के बहुत अहम और बहुत अजीज रिश्ते होते हैं। उसके बाद लोग आते हैं, प्रोजेक्ट वाइज आते हैं, मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट से तीसरा प्रोजेक्ट। लेकिन ये जो जो 20 साल बाद जो याद आती है कि वो कौन था, कि वो कौन है, उसे लिए कराओ, उसे बुला के लाओ। मुकेश मैं बहुत तहे दिल से पता मेरा, और इतने लोग चाहने वाले हैं, क्योंकि देखने वाले हैं, मगर सीना जो है फकर से मेरा चौड़ा हो जाता है जब मैं सुनता हूँ मुकेश आज कितनी तरह से बढ़ रहा है और यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया है। तो सब लोग यही बात करते हैं, और मुकेश के लिए बस मैं एक नज़ीर अकबर आबादी का एक शेर है ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से इनके काम का सिलसिला चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा, और तरक्की जिस तरह से कर रहे हैं, और इंशाल्लाह और ज़्यादा तरक्की चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कि कुछ इस तरह से चल कारवा के साथ ए नज़ीर, जब तू ना चल सके तो तेरा काफिला चले। क्यों चुप अभी भी चुप है, अभी भी रहेगा। इतना बोल दिया है, मतलब शब्द ही नहीं बोल दिए, शायद पूरा भारत बोल रहा है, सब का काम ही ऐसा है।